दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 207.55 मीटर के पार। दिल्ली में यमुना का जलस्तर साल 1978 में पहुंचा था 207.49 मीटर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। यमुना में उफान से दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा। यमुना के आसपास के कई इलाकों को खाली कराया गया। दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में एहतियातन लगाई गई। धारा 144 जलस्तर बढ़ने पर ओखला बैराज के सभी गेट खोले गए। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद जलस्तर बढ़ा। हथनी कुंड से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। दिल्ली में राहत और बचाव के लिए 3 दर्जन से ज्यादा नावों की तैनाती। दिल्ली नगर निगम की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से जलतांडव, गंगा सहित कई नदियों का रौद्र रूप दिखा। खौफ में जीने को मजबूर हुए ग्रामीण। हिमाचल में लगातार बारिश की वजह से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। कुल्लू और मनाली में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़े। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हालात गंभीर। ईटानगर में फ्लैश फ्लड की वजह से कारसिंगसा राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। दिल्ली में शुक्रवार से रियायती कीमतों पर होगी टमाटर की बिक्री। निफेड और एनसीसीएफ को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने का निर्देश। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल आज आ रहे हैं दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल कोलकाता पहुंचा। रविशंकर प्रसाद ने कहा हिंसा में 40 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन इस मामले में विपक्ष पूरी तरह से चुप है। नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर पटना में किसान सलाहकार मित्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज का मामला उठाते हुए विपक्ष ने हंगामा किया। लैंड फॉर जॉब मामले में फिलहाल लालू परिवार को राहत। केस की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। अमेरिका और मिस्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक और अहम विदेश यात्रा। 14 जुलाई से पीएम की फ्रांस की यात्रा। आते वक्त यूएई भी जाएंगे पीएम। पेरिस में बेल्स्टिल डे परेड में भारतीय सेना भी शामिल होगी। पीएम के दौरे से पहले पेरिस में भारतीय सेना की छुट्टी का रिहर्सल। अपराध और सुरक्षा पर G20 समिट को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर 13 और 14 जुलाई को गुरुग्राम में बैठक। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी सबसे आगे। सीएम ममता ने जनता का आभार जताया। 2018 की तुलना में बीजेपी का भी अच्छा प्रदर्शन। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा पर गई। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दिव्यांगों के लिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। क्रिकेट को लेकर दिव्यांग खिलाड़ियों में जोश नजर आया। राजस्थान के पाली में पौधारोपण के जरिए पर्यावरण को बचाने का संदेश। 500 नरेगा मजदूरों को दिए गए पौधे। मजदूरों ने पौधे लगाने और इन्हें बड़े होने तक बचाने का संकल्प लिया। टाटा समूह आईफोन बनाने के लिए एप्पल के साथ कर सकता है करार। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अगस्त 2023 तक एप्पल के साथ फाइनल कर सकती है डील। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2005 से लेकर 15 साल तक भारत में 41.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। भारत समेत 25 देशों ने 15 साल में अपने देश में गरीबी को आधा किया। उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरियाई ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बयान जारी कर जानकारी दी। जापान ने भी लॉन्चिंग की बात कही।